नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारी प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है और ये क्यों कमज़ोर होती है, इसके कमज़ोर होने के कारण क्या हैं, इसके कमज़ोर होने के लक्षण क्या हैं और हम कैसे मालूम कर सकते हैं कि हमारी प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यून सिस्टम कमज़ोर है कि ठीक है। इन्हीं विषयों में आज हम आप लोगों को जानकारी देना चाहते हैं दोस्तों, क्योंकि पिछले 2-3 सालों में कोरोना ने हमको इस इम्यून सिस्टम के बारे में अधिक जानकारी लेने के लिए विवश कर दिया है। क्योंकि दोस्तों पिछले 2 सालों में हमें ये मालूम हुआ है कि अगर हमारी प्रतिरोधक क्षमता सही है तो हम इस कोरोना महामारी से लड़ सकते हैं और बच सकते हैं दोस्तों। इन्हीं विषयों में हम जानकारी देने वाले हैं दोस्तों, वीडियो में बने रहिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए दोस्तों। अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन अवश्य प्रेस कीजिए दोस्तों, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बढ़ती उम्र के साथ दोस्तों ह्यूमन सिस्टम में भी बदलाव आते रहते हैं दोस्तों। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती रहती है दोस्तों, वैसे वैसे हमारे शरीर का प्रोटीन कम हो जाता है और हमारा ह्यूमन सिस्टम कमज़ोर होने लगता है दोस्तों। अब हम दोस्तों सबसे पहले जानेंगे कि ह्यूमन सिस्टम होता क्या है। जब हमारे शरीर पर बाहरी वायरस या बैक्टीरिया हमला कर देता है तब हमारा ह्यूमन सिस्टम सक्रिय हो जाता है और इन बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इस वायरस और इस बैक्टीरिया से लड़ने की प्रक्रिया प्रारंभ कर देता है दोस्तों। सरल भाषा में ये समझें कि ह्यूमन सिस्टम हमारी आंतरिक प्रतिरक्षा प्रणाली होती है जो बाहर के खतरे से हमारे शरीर को सुरक्षित रखती है दोस्तों। अब हम बात करेंगे ह्यूमन सिस्टम कमज़ोर होने के लक्षण क्या हैं, कैसे पहचानेंगे कि हमारी ह्यूमन सिस्टम कमज़ोर है दोस्तों। नंबर 1, बार बार सर्दी जुकाम होना। नंबर 2, गले में दर्द, गले में खराश होना, खांसी आना अधिक। नंबर 3 दोस्तों, आलस्य होना, थकान महसूस करना। नंबर 4, अगर कोई लंबे समय से हमारा घाव ठीक नहीं हो रहा है, भर नहीं रहा है, तो ये कमज़ोर इम्यूनिटी सिस्टम को दर्शाता है दोस्तों। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि इनके कारण क्या होते हैं, किन कारणों से हमारा ह्यूमन सिस्टम कमज़ोर होता है दोस्तों। इसके मुख्य 4 कारण हैं। नंबर 1, तनाव। दोस्तों हमारे जीवन में कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार का तनाव रहता है जिसको हम अपने शरीर पर लेते हैं, अपने दिमाग पर लेते हैं, जिसके कारण हमारा ह्यूमन सिस्टम कमज़ोर होता है और हमें अन्य रोग ग्रसित हो जाते हैं। क्योंकि जब हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है तो बाहर के रोगों से लड़ने की क्षमता वो दिन ब दिन कमज़ोर होती रहती है और हमें अनेकों रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। नंबर 2, व्यायाम ना करना। दोस्तों हमारी ख़राब दिनचर्या ये हमारे जीवन को बहुत गलत की ओर ले जा रही है दोस्तों। क्योंकि हमारी व्यायाम ना करने की आदत, हमारा वेट अधिक हो जाता है दोस्तों, हमें आलस्य बना रहता है, सुबह देर तक सोना रहता है, इन तमाम समस्याएँ आती हैं दोस्तों। अगर हम सुबह प्रातःकाल जल्दी उठ के व्यायाम करते हैं, हमारे शरीर में स्फूर्ति बनी रहेगी, हमारा इम्यून सिस्टम बढ़ेगा, जिसके कारण हमें अन्य बैक्टीरिया या वायरस से खतरा कम हो जाता है दोस्तों। नंबर 3 कारण है दोस्तों, सही से नींद न लेना। ये बहुत मुख्य कारण है दोस्तों, क्योंकि जब हम 7 से 8 घंटे नींद नहीं लेंगे दोस्तों तो हम प्रॉपर अपना कार्य नहीं कर पाते हैं, दिन भर थकान महसूस होती है दोस्तों, और नींद न होने के कारण शरीर में भारीपन रहता है, हमें तनाव महसूस होता है दोस्तों, अनेकों समस्याएं रहती हैं और रिजल्ट वही मिलता है कि हमारा ह्यूमन सिस्टम कमज़ोर होता रहता है दोस्तों। इसलिए हमें नींद हमेशा भरपूर लेनी चाहिए दोस्तों। नंबर 4 दोस्तों, हमारा खान पान, यानी हम पोषक तत्वों की कमी दिन ब दिन करते जा रहे हैं अपने शरीर और हम जंक फूड की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं दोस्तों। हमें ये देखते हैं दोस्तों, हमारे घर के बच्चे यहाँ तक बड़े भी लोग हमेशा जंक फूड, जो बाहर के आइटम होते हैं, चाउमीन है, बर्गर है, इस तरह के आइटम ज़्यादा पसंद करते हैं दोस्तों। हम पोषक तत्वों से दूर भाग रहे हैं, आयरन, कैल्शियम, जिंक, पोटेशियम, इस तरह के आइटम, इस तरह के खान पान से हम दूरी बना चुके हैं, जिसके फलस्वरूप हमारा ह्यूमन सिस्टम दिन ब दिन कमज़ोर हो रहा है और इसका कारण ही है हम अनेकों रोगों से ग्रसित हो रहे हैं दोस्तों। तो ये मुख्य कारण है 4 दोस्तों, जिसके कारण हमारा ह्यूमन सिस्टम कमज़ोर होता है दोस्तों। अब दोस्तों हम कुछ उपाय आपको बताएंगे जिनके कारण अपना ह्यूमन सिस्टम आप बढ़ा सकते हैं, ह्यूमन सिस्टम
या प्रतिरोधक क्षमता जो होती है हमारे शरीर में, इसको हल्के में न लीजिए दोस्तों। ये हमारे शरीर के लिए एक शक्ति का काम करती है। हमारे जो रोग होते हैं, बाहरी खतरे होते हैं शरीर के ऊपर, उनको बाखूबी दूरी बना के रखता है दोस्तों, क्योंकि उससे लड़ाई, पहली लड़ाई हमारी इम्यून सिस्टम ही लड़ता है दोस्तों। इसलिए हमें कुछ ऐसे उपाय करने हैं जिससे हमारा इम्यून सिस्टम बढ़े। दोस्तों सबसे पहले हमें विटामिन सी का प्रयोग करना अधिक करना है दोस्तों। हम ऐसा खान पान रखें जिसके कारण हमारा विटामिन सी अधिक हो। जैसे दोस्तों हमें संतरे का सेवन करना है, नींबू का करना है, और आंवला, आंवला विटामिन सी का मुख्य स्रोत होता है दोस्तों। हमारा खान पान ऐसा रहेगा, हमें बहुत चुस्त करने की ज़रूरत नहीं होती दोस्तों। इसके लिए अगर हम अच्छा खान पान रखेंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम जरूर मजबूत होगा दोस्तों। विटामिन डी दोस्तों, हमें प्रतिदिन 30 मिनट कम से कम धूप में रहना चाहिए दोस्तों। काम करिए, आप पेपर पढ़िए या टहलिए, धूप में रहेंगे तो उससे हमारे शरीर में विटामिन डी की मात्रा भरपूर होती है, विटामिन डी की कमी दूर होती है, जिसके कारण हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होता है दोस्तों। और दोस्तों अन्य पोषक तत्व जैसे दाल है दोस्तों, दही है, दूध है, इन चीज़ों का सेवन हमें ज़रूर करना चाहिए दोस्तों। इसके साथ साथ दोस्तों हमें डेली योगा करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए दोस्तों, प्रातःकाल हमें टहलना चाहिए दोस्तों। इन सभी चीज़ों से हमारा इम्यून सिस्टम बहुत मजबूत होता है। अगर आप ये बराबर करते रहेंगे तो अन्य रोगों से आप दूर रहेंगे, आप निश्चित रहिए इस चीज़ के लिए। लेकिन अगर आप अपने रोटेशन में बदलाव नहीं करेंगे तो अनेकों समस्याएँ, अनेकों बीमारियों से घिरे रहेंगे दोस्तों। इसलिए दोस्तों इन चीज़ों को ध्यान रखिए दोस्तों, आप खान पान ध्यान रखिए और अपनी जीवनचर्या को सही करिए दोस्तों। आप अगर इन दो चीज़ों पर ध्यान रखेंगे तो आपका इम्यून सिस्टम जरूर मजबूत होगा दोस्तों। दोस्तों आज की वीडियो की जानकारी आप लोगों को कैसी लगी है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आज की वीडियो में बस इतना है, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। आप स्वस्थ रहिए, मस्त।